आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप यहाँ पर इंस्टाग्राम के अंदर आते हैं तो यहाँ पर गाइज आपको कुछ ऐसा लिख कर रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर अकाउंट वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड, ऐसा बोलता है। इट लुक लाइक यू शेयर योर पासवर्ड विद अ सर्विस टू हेल्प यू गेट मोर लाइक्स और फॉलोअर्स विच गोज अगेंस्ट आवर कम्युनिटी गाइडलाइन, ऐसा बोलता है। चेंज योर पासवर्ड टू कंटिन्यू यूजिंग इंस्टाग्राम, ऐसा बोलता है। इफ़ यू शेयर योर पासवर्ड विद वन ऑफ दीज सर्विसेज यू मे गेट ब्लॉक्ड फ्रॉम फॉलोइंग लाइकिंग और कमेंटिंग। तो ये क्या होता है बताऊंगा इस वीडियो में और इसे आपको कैसे फिक्स करना है बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट एंड तक देखिएगा, अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए बिना टाइम इसके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कैसा होता है गाइस, ये दरअसल ये इसीलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि जब आपने किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट एप्लीकेशन से अगर आपने लाइक्स फॉलोअर्स वगैरह बढ़ा रहे हैं तब आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है। अगर आप यहाँ पर ये चीज़ें कर रहे हैं तो आप यहाँ पर रुक जाइए, अगर आप ये करते रहेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो भी ब्लॉक हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा और यहाँ पर आपको अपना जो पासवर्ड है इंस्टाग्राम का किसी भी वेबसाइट एप्लीकेशन में नहीं डालना है। अगर आप डालते रहेंगे लाइक फॉलोअर के लिए तो यहाँ पर आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो आपको इसे फिक्स करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद इंस्टाग्राम को होल्ड करना है, आई बटन में आ जाना है या फिर आप फ़ोन की सेटिंग में आइए, ऐप्स में आइए, फिर इंस्टाग्राम में आ जाइए, फिर यहाँ पर आपको स्टोरेज में आ जाना है। स्टोरेज में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको क्लियर कैच कर लेना होगा जिससे लोड कम हो जाएगा, 516 MB यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्लियर डेटा कर लेना है, फिर ओके कर लेना होगा। ओके करने के बाद बैक आ जाना है गाइस। आपका जो इंस्टाग्राम है नया डाउनलोड करने के बाद कैसा आता है वैसा हो जाएगा, जिससे यहाँ पर आप डबल से आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। अगर आपको आईडी याद नहीं है तो आपको किसी भी फ्रेंड के अकाउंट में से जाकर आपको आपका नाम सर्च करके यहाँ से आईडी ले लेना है। फिर यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है, जहाँ पर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह मांगेगा। तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम डाल देना है और आपको यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करना होगा गाइस। फॉरगेट योर लॉगिन डिटेल के ऊपर क्लिक कर लेना है, जहाँ पर आपको पासवर्ड का आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर चेंज कर लेना है आपको। अगर यहाँ पर पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन एज SMS बोलकर। यहाँ पर आप जैसे ही ईमेल आईडी डालेंगे या फिर अगर आपको फिर से ऐसे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है तो यहाँ पर आपको चेंज पासवर्ड कर देना है। चेंज पासवर्ड करने के बाद आपका जो पासवर्ड है वो आपको नया डालना होगा पासवर्ड, जिससे आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा और जो एप्लीकेशन वेबसाइट है वो जो आपका पासवर्ड सेव कर रखेंगे वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा गाइस। या फिर अगर आपको ऐसे पेज नहीं आ रहा तो आपको ये करना है, सिंपली बैक आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल पे आ जाना है, 3 lines पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अकाउंट सेंटर में आना है। अकाउंट सेंटर में आने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आ जाएगा, इसके अंदर आ जाना है। फिर यहाँ पर आपको अपना जो पासवर्ड है वो चेंज कर लेना होगा, चेंज पासवर्ड दिखाई देगा आपको। यहाँ पर आपको जिसका भी करना है यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अभी का पासवर्ड और नया पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर लेना होगा, जिससे यहाँ पर आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पासवर्ड चेंज हो जाएगा, इससे आपका जो अकाउंट है सेफ हो जाएगा और आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब भी आप इंस्टाग्राम खोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।